पता नहीं पता नहीं वहाँ पे एक औरत भी गिर गई है, उसको सिर में चोट उठ लगी। हे गाइज वेलकम बैक टू समीर आर के ब्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45 और अभी से हम ब्लॉग को स्टार्ट करें, ब्लॉग स्टार्ट जो कर रहे हैं बरौनी स्टेशन के पास से ब्लॉग को स्टार्ट कर देते थे, वहाँ लिखा हुआ है बरौनी स्टेशन, बरौनी जंक्शन से हम स्टार्ट करें ब्लॉग को। आज हम ट्रैवलिंग करने वाले हैं बरौनी से पसरा तक का पूरा जर्नी को हम लेने वाले हैं। तो गाइज बने रहिए ब्लॉग के एंड तक, देखो तो यहाँ पर का व्यू कुछ इस प्रकार से है, पूरा स्टेशन स्टेशन है और यहाँ पे देखिए वाटर पानी भी है। तो गाइज आज हम ट्रैवलिंग करने वाले हैं बरौनी जंक्शन टू पसरा तक का, जो कि टिकट तो हम कटा लिए हैं जिसका प्राइस 25 रुपया है और यहाँ से 88 किलोमीटर तक की जर्नी को हम आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखा होगा 88 किलोमीटर की जर्नी को हम पूरा कवर करने वाले, तो बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। तो गाइज अभी ट्रेन है, लगभग ट्रेन 8 बजे पक्का है, तो अभी बज रहा है 7:40 हुआ है और अभी ट्रेन नहीं आई है, तो 8 बजे ट्रेन आएगी, तो बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। तो चलिए जाते हैं, पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ट्रेन आएगी तो वहीं पे ट्रेन भी पकड़ना है, तो बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। तो गाइस चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी ट्रेन आएगी तो फिर पकड़ना भी है। हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे, देख सकते हैं सीढ़ी देख जा रहे हैं किस प्रकार के यहाँ पर का व्यू है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेन भी लगी हुई है, पैसेंजर ट्रेन है, और अभी जो हम ट्रेवलिंग करेंगे वो भी पैसेंजर ट्रेन से ही करेंगे, तो बने रहिए ब्लॉग के एंड तक के लिए। प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे जाते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे, देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भी बहुत है और अभी तक ट्रेन में नहीं आई है, अभी तो 8 बजने हम लगभग 10 मिनट लेट है, इसीलिए अभी तक ट्रेन में नहीं आई है, ट्रेन आती है तो फिर आप सभी मिलेंगे। देखते हैं यहाँ पर पूरा एकदम भीड़ उड़ भी है, ट्रेन में आ चुके हैं वहाँ पर, बहुत जल्दी ट्रेन आ गया, लगभग 5 मिनट के अंदर ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन आ चुकी है, अभी हम इस पे बैठेंगे, पैसेंजर ट्रेन है तो ट्रेन में आ गई और अभी इसी पे जाने वाले हैं, तो गाइस चलिए चलते हैं ट्रेन के ऊपर। ऐसे भीड़ तो इतना नहीं है फिर भी, गाइस चलिए ट्रेन के ऊपर चलते हैं। आज हमारी पूरे 20 मिनट के बाद हमारी ट्रेन खुल चुकी है, देख सकते हैं ये स्टेशन पर का व्यू कुछ इस प्रकार से है और हमारी ट्रेन 20 मिनट के बाद पूरी खुली है। स्टेशन पे जितना भी आदमी था पूरा खाली हो चुका है, देख सकते हैं, और ट्रेन भी हमारी खुल चुकी है, जो कि आज हम बरौनी से पसरा तक का पूरा सफ़र को तय करेंगे और यहाँ से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर है, देख सकते हैं अभी हमारी ट्रेन खुल चुकी है। पसरा भी जाएगी? हाँ पसरा सर। तो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग के एंड तक। जब हम आ चुके हैं बरौनी बेगूसराय स्टेशन के पास, जो कि यहाँ पे 8:35 पे ट्रेन आ चुकी है, मतलब कि टाइम से बिफोर ही आ चुकी है, मतलब 8:34 में आई और 35 में यहाँ पे आने का था। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बेगूसराय स्टेशन के, देख सकते हैं यहाँ पर का व्यू कुछ इस प्रकार से है, और गाइस चलिए ट्रेन खुलती है फिर आगे का भी आप सबको व्यू दिखाएंगे, बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। फाइनली गाइस जब हम आ चुके हैं लक्मिनिया में, देख सकते हैं लक्मिनिया का भी कुछ इस प्रकार से है। लक्मिनिया में ट्रेन आने का समय था लगभग 8 बज के, ध्यान नहीं दिया पा, देखना पड़ेगा। तो गाइस लेकिन समय से पहले ट्रेन आ चुकी है, इसी ट्रेन से अभी हम आए थे गाइस, और अभी हम यही ट्रेन से जाएंगे पसरा तक ट्रेवलिंग करें, जो कि अभी बरौनी से पसरा तक 88 किलोमीटर की दूरी पर हम ट्रेवलिंग करें, देखते हैं वहाँ पर अभी लक्मिनिया में हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए अभी ट्रेन खुल चुकी है ट्रेन, और अभी हम जाते हैं ट्रेन के ऊपर। मैं सहायपुर कमाल जंक्शन के पास, देख रहे हैं सहायपुर कमाल जंक्शन का व्यू कुछ इस प्रकार से है, कुछ खास नहीं है फिर भी, और अभी हम इस ट्रेन से आए हैं, लगभग 10 मिनट में यहाँ हमको बेगूसराय से छोड़ दिया है सहायपुर कमाल के पास। Thank you.
फाइनली गाइस अभी हम खगड़िया जंक्शन में पहुंच चुके हैं पूरे एक घंटे के बाद, जो कि यहां पे ट्रेन आने का समय था 9:33 पे और अभी बज रहा है 10:05, मतलब कि पूरे आधा, मतलब कि 40 मिनट लेट अभी ट्रेन पहुंच चुके हैं खगड़िया जंक्शन पे। देखते हैं खगड़िया जंक्शन का व्यू कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर लगभग आधा घंटा लेट चली है गाड़ी और 9:33 में आने का समय था और 10:05 में यहाँ पहुँचे खगड़िया जंक्शन। तो कह सकते अभी इसी ट्रेन से आए थे, तो गाड़ी चलिए और आगे। अभी हम आ चुके हैं पसरा स्टेशन पे, देखते हैं वहाँ पे एक औरत भी गिर गई है, उसको सिर में चोट उठ लगा और कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भी है, क्योंकि पसरा आने का समय था लगभग 10:38 पे पसरा स्टेशन पहुँच जाना था, लेकिन अभी बज रहा है 11:20 हो चुका और अभी ट्रेन पहुँचा और एक औरत वहाँ पर से, मतलब कि दलमोट मिनट बेच रही थी और वहाँ पर से गिर भी गई, सर में हल्का चोट लगा लेकिन दिखा नहीं सकते। और गाड़ी देख सकते यहाँ पर पूरा एकदम भीड़ उड़ भी है, मतलब कि इधर पसेंजर लगा हुआ है, इधर ही पसेंजर है, मतलब जो अभी हम आए पसरा बरौनी तक से आए वहीं से ये भी इस साइड वाला ट्रेन भी है ना वहीं जाएगा, मतलब कि ये भी ट्रेन है बरौनी जाएगा और ये बरौनी से पसरा आ चुकी है। तो अभी हम ट्रेवलिंग कर चुके हैं पूरा 88 किलोमीटर की दूरी से हम पूरा हम ट्रेवलिंग कर लिए हैं, मतलब कि बरौनी से पसरा तक की दूरी को हम पूरा तय कर चुके हैं। पसरा स्टेशन पर अभी नहीं पहुँचे हैं क्योंकि इस साइड भी लगा हुआ है पसेंजर और इस साइड भी पसेंजर गाड़ी लगा हुआ है, इसीलिए हम उस साइड जाने के लिए लगभग ट्रेन को पार करना पड़ेगा इसीलिए। तो गाड़ी चलिए प्लेट पसरा स्टेशन पर पहुंचते हैं फिर मिलते हैं। चलिए गाड़ी जब हम आ चुके हैं पसरा स्टेशन के पास, देखते हैं यहाँ पर का व्यू कुछ इस प्रकार से है। कैसे कहते हैं अभी यहाँ पसरा स्टेशन पर का व्यू कुछ इस प्रकार से है। तो गाइस आज के लिए यहीं तक के लिए ब्लॉग को रहने देते हैं, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं और नए ब्लॉग के साथ, फिर एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ पे दुर्गा पूजा का पूरा सजा हुआ है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से मिलते हैं और नए ब्लॉग के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।